दोस्तों नमस्कार, डेट सन रेडी को चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पूरे इंजन कंपार्टमेंट के अंदर कौन सा पार्ट किस चीज़ से रिलेटेड है और उसकी क्या वर्किंग है, ठीक है। ये चीज़ जाननी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है अगर आपके पास गाड़ी है, ठीक है। एंड कल दोस्तों संडे में आपको मैं एक बहुत ही शानदार और बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ ECM की। ECM को नया ECM डालने के बाद उसको कैसे रिप्रोग्राम किया जाता है, ये चीज़ आज कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इस पर जितने भी हम कंपोनेंट पार्ट्स हैं उनकी क्या वर्किंग है वो मैं बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। एंड थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, ठीक है, तो प्लीज़ यार पूरी वीडियो देखा करो क्योंकि आपका ही फ़ायदा है। अगर आप कोई चीज़ छूट जाती है तो उसमें आपको डाउट रहेगा, फिर आप कमेंट करोगे, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से लेते हैं, ये जो ब्लैक कलर का इसके अंदर दिखाई दे रहा है ये होता है ब्रेक बूस्टर। जिन गाड़ियों में ब्रेक बूस्टर पहले नहीं होता था उनके ब्रेक पैडल हार्ड, यानी ब्रेक पैडल बड़े हार्ड लगते थे, पैर में दर्द हो जाता था। तो ये ब्रेक बूस्टर जो अब आया है तो ये अब क्या हो गया, इसके ब्रेक बूस्टर के पास से एक वैक्यूम का पाइप जाता है, ये देख रहे हो ये, और ये वैक्यूम का पाइप यहाँ तक आता है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है, MI लाइट करके, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना उस वीडियो को, इसके पाइप के निकलने से गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये ब्रेक बूस्टर जब लग गया तो पैरों पे कोई प्रेशर नहीं पड़ा और ब्रेक बड़े स्मूथली और आराम से लगना स्टार्ट हो गए। दूसरा ये है इसकी ब्रेक मास्टर सिलेंडर, ये यहाँ पर है ये, ठीक है, यहाँ से चारों जगह पर ये पाइप लगे रहते हैं, देख रहे हो ये ब्रेक के पाइप है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से इन पाइपों के रास्ते अंदर हर एक टायर पे ब्रेक फ्लूड जाता है जो ब्रेक लगाने में आसानी से हम कवर कर सकते हैं, मतलब ब्रेक लग जाते हैं गाड़ी के, ठीक है। एंड इसके बाद ये होगी इंजन माउंटिंग, ये इस पर इसके ऊपर इंजन टिका हुआ है, ठीक है दोस्तों। एंड इसके नीचे स्पार्क प्लग होता है, मैंने आपको दिखाया ही था, यहाँ पर ये इग्निशन कॉइल है, देखिए, ठीक है, इसकी भी वीडियो में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है, कि स्पार्क प्लग को कैसे रिप्लेस करते हैं। ये हो गया थ्रोटल बॉडी एक्चुएटर, ठीक है ना, इसकी भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए, ये बहुत ही काम की चीज़ है और इसके इससे क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप इसको क्लीन कर लेते हो, उस वीडियो में बना के दिखाऊंगा। एंड अब इसके बाद है ये एयर फिल्टर, इसका तो आपको पता ही होगा अगर ये ख़राब हो जाए तो एवरेज वगैरह में दिक्कत आती है, तो इसको क्लीन रखना चाहिए और रिप्लेस कर देना चाहिए। इसके अंदर रहता है एयर फिल्टर, ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। ये हो गई बैटरी, बैटरी तो आपको पता ही होगा। और ये है लास्ट में ECM, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इसका क्या काम है दोस्तों, ये पूरी गाड़ी में जो सेंसर एक्चुएटर्स, जैसे ये एक्चुएटर है थ्रोटल बॉडी एक्चुएटर, और यहाँ देखिए मास एयर फ्लो सेंसर है ये, ठीक है, और ये माफ एयर फ्लो भी बोल सकते हैं। सेंसर और एक्चुएटर की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, उनका भी लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना उनकी लोकेशन वगैरह कहाँ होती है। एंड ये क्या करता है ECM, ये सारे सेंसर एक्चुएटर को इनपुट आउटपुट लेता रहता है और इंजन के ऊपर जो भी कम एक्चुएटर और सेंसर्स एक्टिविटी करते हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है ECM। और ये हो गया ABS मोटर, ठीक है, तो इसके अंदर EBD भी इनबिल्ड होके आता है। और अब नई जो गाड़ी आई है, नई जो गाड़ी आई है उनके अंदर भी EBD आया है, ठीक है ना, जो पहले बहुत कम होता था EBD उनके अंदर, ठीक है। एंड अब हर एक गाड़ी में कंपलसरी हो गया ये ABS मॉड्यूल भी, ठीक है। ये हो गया हीटर कोर के पाइप है पीछे, ये इधर ये कूलिंग कोइल है, ठीक है, ये कूलिंग कोइल का वो है क्या नाम, एक्सपेंशन वाल, इसके पीछे ही अंदर डैशबोर्ड के नीचे जो HVAC यूनिट मैंने दिखाई थी रिप्लेस करने की, उसकी वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है, कूलिंग कोइल कहाँ होती है वो भी पता चल जाएगी। ये हीटर कोर के पाइप हैं, ठीक है ना, और इस ये जो देख रहे हो ये ढक्कन जो है ये बोल्ट, यहाँ से कूलेंट की बिल्डिंग होती है, जब कूलेंट रिप्लेस होते हैं होता है तो इसको लूज़ कर देते हैं, लूज़ करने के बाद यहाँ से कूलेंट डालते रहते हैं, इसके अंदर कूलेंट डालते रहते हैं और वहाँ से कूलेंट की जो बबल्स होते हैं एयर होती है वो निकलती रहती है। जैसे ही एयर ख़त्म हुई कूलेंट निकलना बंद शुरू हो जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है, कूलेंट पूरा डल जाता है, ठीक है दोस्तों। एंड इसके बाद हो गया ये इनटेक मैनिफोल्ड, ठीक है, ये इनटेक मैनिफोल्ड क्या होता है, थ्रोटल बॉडी के रास्ते एयर आती है और ये देखिए 1, 2, 3 तीनों से अलग अलग एयर जाती है तीनों सिलेंडरों पे, ठीक है दोस्तों। एंड इसके बाद ये है अल्टरनेटर, ठीक है, इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है रिप्लेस करने की, इसकी ये नॉइस कर रहा था तो इसकी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। एंड इसके बाद क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग होती है दोस्तों बैटरी को चार्ज करना एंड दूसरा DC सप्लाई करना पूरे इंजन पर, जो सेंसर एक्चुएटर और वायरिंग है, जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट होने के बाद
पूरे इंजन को यही सप्लाई देता है, क्योंकि यही करता है। बैटरी का काम सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देना है। इसके बाद है दोस्तों ये रेडिएटर फैन, इसकी भी वर्किंग आपको पता है, इसकी वीडियो मैं बता दूंगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक इसका, ठीक है। नीचे ये गियर एक्चुएटर है, क्लच एक्चुएटर, ठीक है। ये एक ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन है दोस्तों गाड़ी, मैं एक बार एयर फिल्टर निकाल लेता हूँ ज़रा। ये देखिए ये ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन है, पीछे भी ये देखिए क्लच वायर नहीं है, ये क्लच एक्चुएटर लगा हुआ है, ठीक है। ये एक क्लच एंगेजमेंट एक्चुएटर है। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, ये जो है ना अंदर से मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, अंदर जैसे नॉर्मल ट्रांसमिशन के अंदर गियर होते हैं ना वैसे ही है, बट इस पर ये तीन चीज़ें दे दी, एंगेजमेंट एक्चुएटर दे दिया और क्लच एक्चुएटर दे दिया। एंगेजमेंट एक्चुएटर क्या करता है, गियर चेंज करता है, ठीक है। और क्लच एक्चुएटर क्या करता है, ये क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट जो है उनको पुश करता है, दबाता है, ठीक है, रिलीज बैरिंग को। तो सेम वही वर्किंग है, बस ये दो चीज़ चेंज कर दी और ऑटोमेटिक गाड़ी बना दी, ठीक है। नीचे है वो स्टीयरिंग रैक, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। स्टीयरिंग रैक गाड़ी को स्टीयरिंग को इधर उधर काटने के लिए काम आती है दोस्तों। अब बात करते हैं फ्यूज़ की, तो इसकी फ्यूज़ बॉक्स की मैंने वीडियो डाली हुई है, ठीक है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। ये सारे फ्यूज़ इसके अंदर होते हैं, बट क्या नाम है, ये एक ये फ्यूज़ है, एक ये फ्यूज़ है, एक ये फ्यूज़ है, ये तीन अलग फ्यूज़ हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये एक्चुअली 1000 cc गाड़ी है, 1.0 लीटर गाड़ी है, मैंने 800 cc के फ्यूज़ वगैरह की वीडियो डाली थी, तो इसका भी बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो जो लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वो 800 cc का डालूंगा। ये फ्यूज़ इससे अलग, जो ये फ्यूज़ है ना, इस इन तीनों से अलग, इन सब के आपको मिल जाएंगे उस वीडियो में कि किसकी क्या वर्किंग है, ठीक है। एंड दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पर है ये चारकोल कैनेस्टर, ये बहुत ही काम की चीज़ होती है आपकी गाड़ी के अंदर। मान लो अगर कंबंसन चैम्बर या हेड के अंदर ज़्यादा फ्यूल पहुँच जाता है और कुछ बर्निंग कुछ बिना जले रह जाता है थोड़ा बहुत फ्यूल और वो गैस बन जाता है, तो ये देखिए ये इसके चारकोल कैनेस्टर से ये यहाँ पाइप आ रहा है और यहाँ से एक पाइप इस पर्ज वाल से PCSV जो है ये, इससे एक पाइप सीधा इंटेक मैनिफोल्ड में आ रहा है, ये वाले पाइप में। तो वो क्या होता है, वो जो अनबर्न गैसें रहती हैं, जो बच जाती हैं गैसें, वो इस पाइप के रास्ते, इस चार को इस कैनेस्टर के रास्ते, पाइप परजवाल के रास्ते होते हैं, इस कैनेस्टर में गर्म गैसें होती हैं, वो इसके अंदर भर जाती हैं, ठीक है। एंड भरने के बाद क्या होता है, वो ठंडी होकर पेट्रोल के रूप में वापस परिवर्तित हो जाती हैं। और ये देखिए एक ये पाइप लगा हुआ, ये सीधा जा रहा है फ्यूल टैंक पर, ठीक है। जब ये भर जाता है तो फ्यूल पेट्रोल इसमें भर जाता है, तो वो फ्यूल क्या होता है, पाइप के रास्ते वापस फ्यूल टैंक के अंदर, जो पेट्रोल है हमारी गाड़ी का, वो फ्यूल टैंक में चला जाता है, ठीक है दोस्तों। इसकी ये वर्किंग होती है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर है वाटर पंप की पुली, ठीक है। ये वाटर पंप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाड़ी के अंदर। ये वाटर पंप क्या करता है, इंजन के कूलिंग सिस्टम को सर्कुलेट करता है, कूलेंट को खींच के, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूँ, अगर हम रेडिएटर में पानी डालते हैं, कूलेंट डालते हैं, तो ये क्या करता है, नीचे वाला जो पाइप है, देख रहे हो आप ये वाला पाइप रेडिएटर में, तो और यहाँ देखिए ये पाइप ऊपर लग गया आके इंजन पे। अभी क्या हो गया, ये देखिए ये जब ऊपर लग गया तो ये इंजन में लगा हुआ वो पाइप जाके, एंड ये कूलेंट, ये वाटर पम्प क्या करता है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो घूमता है, और घूमते ही इंजन के अंदर पानी खींच के डाल देता है, कूलेंट को खींच के डाल देता है, ठीक है, इसका ये काम होता है। एंड इसके बाद दोस्तों ये ऑल्टरनेटर का तो मैंने बता ही दिया। अब यहाँ देखिए पीछे AC कंप्रेसर है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर इस पर सप्लाई आती है या AC ऑन हो, ये ऑन हो जाता है तो AC ठंडा करता है, अंदर कूलिंग करता है, ठीक है। कंप्रेसर तो ये इसी का होता है, यही काम होता है कंप्रेसर का तो। एंड दोस्तों यहाँ देखिए ये है स्टार्टर मोटर गाड़ी का, सेल्फ जिसको बोल देते हैं। जब हम क्रैंकिंग करते हैं तो सबसे पहले वोल्टेज आती है बैटरी पर, इग्निशन स्विच जो होता है अंदर लगा हुआ था, वहाँ से सप्लाई यहाँ आती है। यहाँ से क्या करता है, एक सप्लाई जाती है ECM को, एक फ्यूल पंप को, और फ्यूल पंप से पेट्रोल अंदर आ जाता है, और ECM सेल्फ से डायरेक्ट सप्लाई होती है। तो सेल्फ इस क्या करता है, फ्लाईव्हील को घुमा देता है, और फ्लाईव्हील जैसे ही घूमता है, घूमते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। TDC BDC जो होता है ना, टॉप डेड सेंटर, तो ये पीछे CKP सेंसर लगा हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है, ये वाला देख रहे हो, ये तो ये सेंसर ECM को बता देता है कि क्रैंक अब किस पोजीशन पे है, कैसे है, तो इंजन को स्टार्ट कर देता है। एंड दोस्तों ये है इग्निशन कोयल, तो इग्निशन कोयल क्या करती है, क्योंकि इग्निशन कोयल लगाई क्यों जाती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लगाई इसलिए जाती हैं क्योंकि 12 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई आती है, आप चेक कर लेना कनेक्टर पर, और जो 12 वोल्ट सप्लाई है ना यार, वो स्पार्क प्लग के अंदर पार नहीं हो पाती है, ठीक है। इग्निशन कोयल इसीलिए लगाई जाती है, जो 12 वोल्ट है उसको
अल्टरनेट से डायरेक्ट करंट में बदल देती है और 12 वोल्ट से 10,000 से बदल कर 12 वोल्ट से बदल कर 10,000 से 11,000 वोल्ट का करंट बनाती है, जो स्पार्क प्लग के अंदर से आसानी से चेंज और पार हो जाता है और स्पार्किंग करने लगता है प्लग। आप कभी भी ऐसी गलती मत करना, इग्निशन इस पर गाड़ी स्पार्क प्लग को पकड़ के मत देख लेना, बहुत तगड़ा झटका लगेगा नहीं तो, ठीक है। एंड दोस्तों ये है इसका टैपिट कवर, इसके अंदर हेड होता है, वाल वगैरह होते हैं, ठीक है ना। ये हेड तो नीचे हो गया बट इसके अंदर वाल वगैरह होते हैं गाड़ी के, केम शाफ्ट होती है, ठीक है। तो टैपिट कवर उसको कवर करके रखता है, ठीक है। और यहाँ से इंजन ऑयल डलता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। सेकंड फ्री सर्विस की वीडियो मैंने डाली थी, इंजन ऑयल डाला था यहाँ से, तो उसका भी लिंक मैं डाल दूँगा, आप देख लेना। और दोस्तों लास्ट में यार ये रह गया, ये तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये होता है PCSV पर्ज कंट्रोल सोलेनोइड वाल्व। ये अगर ख़राब हो जाए तो गाड़ी मिसिंग करेगी, पिकअप की दिक्कत आएगी एंड और क्या होता है, एवरेज ठीक नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से दिक्कत आने लगेगी गाड़ी में, ठीक है। लाइट भी आ जाएगी अगर ये ख़राब हो जाता है, PCSV पर्ज कंट्रोल सोलेनोइड वाल्व, ठीक है। तो ये अगर ख़राब हो जाए इसको तुरंत चेंज कराएं यार, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, ठीक है। तो बस यार यही था इस वीडियो में, पूरी गाड़ी के इंजन के ऊपर जो सारी चीज़ें होती हैं मैंने कवर कर दी हैं। और ये होते हैं AC के पाइप यार, ये हाई प्रेशर पाइप, लो प्रेशर पाइप है, ठीक है। ये रहा लो प्रेशर पाइप और ये हाई प्रेशर पाइप होता है, ठीक है। इसके अंदर गैस रिफ़िल होती है और इसके इन दोनों के अंदर से गैस चलती है AC की, ठीक है ना। तो बस यही था दोस्तों इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जो आपको ठीक लगे यार करना, ठीक है। बस मेरा काम था एजुकेट करना। चलो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ किसी और वीडियो में आपके फ़ायदे से रिलेटेड। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।